आ गया वापस से कहानी सुनाने को एडवेंचर करते हुए थोड़ा सा। हाँ ये एडवेंचर रॉक्स पे कूदना कादना चढ़ना आप तभी कर सकते हैं जब आप थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाएंगे, वरना आपका शॉर्ट हो जाएगा। जैसा कि हर चीज़ का एक शुरुआत होता है, स्टार्टिंग पॉइंट, ट्रैवलर तो मैं बन गया नवंबर नवंबर के महीने में। हाँ, कच्चा नींबू ट्रैवलर अपन ट्रैवल करने लगा है, घूम रहा है। कच्चा नींबू ट्रैवलर नेपाल पहुँच गया है, नेपाल घूम लिया है। 2014 साल की बात है, अपना एक दोस्त है गोकुल। गोकुल मेरा दोस्त बना था कॉलेज में जब मैं मास मीडिया के पढ़ाई कर रहा था। लंबा सा लड़का, सांवले से रंग का, बड़े बड़े बाल, टैटू बनाया हुआ। मुझे लगा कि अपने ट्राइब वाला है, बॉन्डिंग बन गई, दोस्ती हो गई हम लोगों की। उसके डैड फौज में, तो अलग एडमायर कर रहा हूँ मैं उसको। इनफैक्ट जब बॉम्बे में मैंने अपना घर छोड़ दिया था तो गोकुल भी बॉम्बे में ही रहता था, तो मैं उसके घर में आकर के रहने लगा था मलाड में। तो मैंने फर्स्ट टाइम उस टाइम पे ग्रीन डे भी सुना गोकुल के साथ में। उसके घर पे रहते रहते वहाँ पर मेरी दोस्त थी सैंडी के साथ में हुई। तो गोकुल काफ़ी ट्रैक्स वगैरह करता था उस, मैं फेसबुक पे पोस्ट देखता था उसके, तो मुझे लगता था यार बहुत ट्रैक, क्या पिक्चर्स आ रही है यार, क्या पहाड़, क्या लैंडस्केप दिख रहा है। हाँ, फुल पावर लग रहा है, कुकिंग कर रहे हैं, खा रहे हैं, हाँ फील आ रही है, ऐसा करने को मांगते हैं। तो बात मेरी गोकुल से होती रहती थी, तो मैंने गोकुल को बोल के रखा था कि नेक्स्ट टाइम अभी जब भी प्लान बनेगा अपन को करने का ही है, और कुछ करते तो नवंबर में करते ना, क्योंकि मेरा बर्थडे का टाइम भी है, मैं ट्रैवल करता हूँ, तो वाई नॉट। तो 2014 में गोकुल उस वक्त दिल्ली में रह रहा था, और ये प्लान बना कि नाग टिब्बा हम ट्रैक करेंगे। नाग टिब्बा ये कुछ 10,000 फीट की ऊंचाई पे है, लेसर हिमालयस का हाईएस्ट पीक है गढ़वाल रीजन में उत्तराखंड के। तो गेम की नवंबर का महीना है, तो चलो ऐसा कुछ सीन था कि बर्थडे के वक्त, 24 तारीख को मेरा बर्थडे होता है, उस वक्त तो नहीं ट्रैक करना था, उसके पहले ही कर लेना था। बट उसी मंथ में मैंने बॉम्बे से ट्रेन ही लिया होगा ट्रेन से ही गया मैं वहाँ पर, पता नहीं टिकट लिया था कि नहीं लिया था, अभी इतना कुछ मेमोरी कुछ थोड़ा सा नाकाज पता नहीं क्या हो गई है। तो ट्रेन से मैं पहुंचा, मुझे उतरना के लिए मुझे गोकुल ने बोला था कि दिल्ली स्टेशन पे उतरना, दिल्ली नहीं एक कोई तो स्टेशन का नाम ब्रिजवासन स्टेशन पे उतरना। और ब्रिजवासन स्टेशन पे मैं नहीं उतर पाया क्योंकि मैं सो रहा था और फिर मैं इसके आगे वाले स्टेशन गुड़गांव में उतरता हूँ, मेरा फ़ोन भी कम बैटरी उसकी डेड हो चुकी थी, और गोकुल मुझे वहाँ से फ़ोन पे फ़ोन लगा रहा क्योंकि उसी दिन मैं ट्रेन से उतरने वाला था, वो मुझे पिक करने वाला था, और फिर हम वहाँ से ही जाने वाले थे देहरादून के लिए, ट्रेन पकड़ करके देहरादून। दोपहर की ही हमारी ट्रेन थी देहरादून के लिए। सो, वो फ़ोन पे फ़ोन कर रहा है, मेरा फ़ोन लग नहीं रहा है और मैं वहाँ पे उतर नहीं पाया। बाद में मैं उसको फ़ोन करता हूँ, मैं बोलता हूँ कि ब्रो मैं तो गुड़गांव में उतर गया हूँ। वो बोलता है अबे क्या करता है तू, फिर वो बोलता है कि ये साकेत स्टेशन ऐसे यहाँ पर आना है। वहाँ पर मैं पहुँचता हूँ वो, और मैं अपना नॉर्मल स्टाइल में चल के आ रहा होता हूँ, और गोकुल वहाँ पर एकदम रेड और गाली की बौछार कर देते हैं। ज़िंदगी में माँ किया कितना गाली मैंने नहीं सुना रहेगा जितना उस दिन मैंने गाली सुना, जायज़ भी था उनका गाली देना। मैं थोड़ा सा, मुझे लगा मैं अपने स्टाइल से ट्रैवल कर रहा था, और फिर मुझे नहीं पता था कि इतना बड़ा सीन हो जाएगा कि मेरे वजह से वो बस भी, फिर ट्रेन चले गई। उसके बाद में हम घर पर लेके चला गया, पूरा घर ले जाते जाते गाली देते रहा वो मुझे। फिर हम सैंडी ने खाना बनाया, हमने खाना खाया, और रात की हमने बस पकड़ा। अब बस मिली सरकारी हमको, हमने कश्मीरी गेट से लिया, और हमको सीट मिली आखिरी की तो ऐसा कूद रही है ना बस, तो जितने बार कूद रही है उतने बार वो मुझे गाली दे रहे हैं कि साला सब तेरे वजह से ही हुआ, और मतलब हर कुछ ही कर डाल रही है बस ना, मतलब ऐसा पकड़ के दर 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 ऐसा पकड़े हुए ऐसा कूद रही है हम लोग लिटरली सीट से कुछ दो दो फीट कूद जा रहे हैं यार, ऐसा हर कुछ ही बस चला रहा है और सीन हो रहा है। तो ऐसा उबड़ खाबड़ बम्पी राइड लेते हुए तो हम पहुँचे देहरादून।
देहरादून में गए कुकी भाई के पास। कुकी भाई से मैं फर्स्ट टाइम मिला। कुकी भाई का असली नाम है मोहित कुकरेती, वो वहीं के रहने वाले हैं। तो अपना कुकी भाई अपने को मिला। कुकी भाई ने फुल तैयारी कर रखी थी सब चीज़ की। हम कैब भी बुक कर रखा था देहरादून में। फिर हम उस कैब में बैठे। फिर एक गोटी भाई को हम मिले, उनका असली नाम है नवीन रावत। गोटी भाई प्यार से बोलते। तो गोटी भाई, कुकी भाई, गोकुल और मैं, हम चार निकल पड़े। और हम लोग पहला स्टॉप लिया हम लोगों का पतवाड़ी, जो था वो एक क्या बोलते हैं बेस था, जहाँ से ट्रैक शुरू होता है। यहाँ पर मतलब लास्ट है, कुछ सामान सामून खाने के लिए लेना है, राशन वगैरह तो ले लो, पॉटर वगैरह हायर करना है तो कर लो, उसके आगे कुछ नहीं मिलने वाला। सो पतवाड़ी पर पहुँच गए। वहाँ पर हमने स्किनी पीट को हायर कर लिया। स्किनी पीट मतलब वहाँ पर एक शख्स थे जो हम लोगों को, मतलब ऐसा था कि गोकुल, कुकी और गोटी ने पहले भी ट्राई किया था नागतिब्बा ट्रैक किसी और रूट से, बट वो उस वक्त हो नहीं पाया था ड्यू टू नेचुरल कंडीशंस। सो ये लोग सेकंड टाइम ट्राई कर रहे थे और मेरा तो फर्स्ट टाइम एवर लाइफ का ट्रैक था। कोई ट्रैक मैंने इसके पहले किया नहीं है ज़िंदगी में। खाली घर पे बिल्डिंग का सीढ़ी चढ़ा है, दोस्तों के घर का, ऐसा सब हुआ है बस। तो एक शख्स थे वहाँ पर, उनका नाम तो याद नहीं, जो जिसको हमने अपने साथ में रख लिया कि वो हमारे साथ चलेंगे, हमारा सिर्फ राशन वो कैरी करेंगे और वो हमारे साथ में ऊपर रहेंगे। फिर हम लोग दो दिन का ट्रैक है, उसके बाद में हम नीचे आ जाएंगे और इतना इतना पैसा हो जाएगा। तो वो सब बात हो गई थी। पर ये जो शख्स थे, ये काफ़ी लेजेंडरी शख्स थे। इन्होंने एकदम पतले दुबले से, ये 38 ऐसा कुछ एज होगा, पतले दुबले, लूज सा जैकेट पहन रखा है, उसके पीछे इन्वर्टर लिखा हुआ है, इन्वर्टर, जो मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, बात ही नहीं करते हैं। मतलब हाँ, स्टार्टिंग में उन्होंने स्टोरी बताई कि वो ठंडी में जाते हैं, वहाँ पर गन लेकर के जाते हैं और है ना, शिकार वगैरह भी करते हैं, और वही बात किया, उसके बाद बात नहीं किया उन्होंने। उन्होंने अपने लिए खुराक ले लिया, अपना दारू लेकर के डाल दिया उन्होंने बैग के अंदर, सामान वामान लिया, हम चलना शुरू कर दिया। और चल करके कुछ 10 मिनट ट्रैक का शुरू नहीं हुआ रहेगा कि यार मेरे पीछे ना यहाँ पर ना आग लगने लगी, यहाँ पर मेरे इस पोर्शन में ना, इस हिस्से में ना आग लग चुकी है। मैं उठा नहीं पा रहा हूँ बैग को, मतलब मेरे से चला नहीं आ रहा है, एकदम लाल हो गया हूँ। और फिर मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ चलने की, बट उसके बाद में तो ऐसा हुआ कि डूड सॉरी, अभी नए दोस्त बने हैं, उनके सामने अच्छा भी नहीं लगता। एक दोस्त गोकुल के फ्रेंड्स है, गोकुल को मैं जानता हूँ, बाकी है ना कुकी और गोटी भाई तो अपना अभी दोस्त बना, तो ऐसा फील भी नहीं आ रहा है कि इनको मैं बोल दूं कि यार मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं तो 10 मिनट में मेरी हालत खस्ता हो गई ली बॉस। बट 5-15 मिनट हुआ रहेगा, मैं लामलेट हो गया यार उधर पे, फुल ऑमलेट लामलेट फ्लैट हो गया पत्थर पे। मैं बोला कि भाई आई एम सो सॉरी, और मेरे को डर लग रहा है कि गोकुल कितना गुस्सा होगा कि ये क्या क्या कराएगा, इसने मेरी ट्रेन मिस कराई, इसके वजह से बम्पी इतनी बुरी राइड मिली मुझे बस की, और अभी ये हो रहा। तो मैंने बोला कि प्लीज़ यार तुम लोग जाओ, ये ट्रैक को तुम लोग करो, मैं यहाँ पर नीचे वेट कर लूँगा, यहाँ पर मैं 2 दिन रुक जाऊँगा, है ना, तुम लोग जा करके तुम लोग मेरे वजह से स्पॉइल मत करो इस चीज़ को, ट्रैक कर लो, ख़त्म करो। पर वो लोग भी अच्छे थे, सब दोस्त बड़े प्यारे थे, वैसे तो थे नाराज़ तो हो रहे थे पर अच्छे। कुकी ने फिर मेरे को एक पेन किलर खिलाया, फिर और एक गोली दी, कुछ प्रोटीन दिया, ऐसे सब खिला पिला करके थोड़ा रेस्ट करा करके बोले कि नहीं चलेंगे हम सब साथ में चलेंगे, वरना फिर कुछ सीन नहीं। और फिर हमने चलना शुरू किया। और उसके बाद में उन्होंने मेरे से सारा बैग वैग सब ले लिया, बोला कि सिर्फ मुझे कैमरे का बैग दिया, बोला कि ये कैमरे का बैग तू सिर्फ अपने साथ में लेकर के चल, बाकी मेरा रक्सैक वगैरह उन्होंने कैरी कर लिया। और फिर हम चलना शुरू कर दिया। फिर मैं चला यार, मुझे लगता कि वो जो मैंने ट्रेन की एक राइड ली थी, पता नहीं उसमें भी मेरी टिकट कन्फर्म थी या नहीं थी। फिर मैं आया था, दिल्ली पहुँचा था, और उसी रात को मैं फिर निकल पड़ा देहरादून के लिए वो बम्पी राइड में। और बम्पी राइड होने के बाद में हम सीधा निकल पड़े ट्रैक पे, तो शायद मेरी बॉडी एग्जॉस्ट हो गई थी, 10 मिनट वो झेल नहीं पाई ट्रैक का। उसके बाद में तो फिर चलना शुरू हो गया, वो इसी हालत थी मेरी, मैं सोच रहा कि क्या ये ट्रैक है, इसको ट्रैक बोलते, ये क्या मतलब का है, हालत लूट हो गए यहाँ पर, चढ़ते चलते फ्राई हो गया सीन, पहुँच ही नहीं रहा है, क्या है समिट में क्या मिलेगा, यही बहुत अच्छा लग रहा है भाई, चलो वापस बोल करके। पर कुछ बोला नहीं, चलते गया। जो इन्वर्टर था, जो हमारा स्किनी पीट था जिसने राशन कैरी कर रखा था, उसने अपना बीच में ही सामान में शराब की शीशी भी डाल रखी थी। अब ट्रैक करते वक्त ऐसा होता है कि चलते रहो फिर थक जाते हैं, तो हम ऐसा, जब पत्थर ये है, ये बड़ा सा रक्सा है के पीछे, तो हम ऐसे रेस्ट कर लेते हैं, ऐसा रख करके बैग को, ऐसा थोड़ा तो फिर रिलैक्स करते हैं।
पूरा बैठते नहीं है, फिर वापस से बैग लेते हैं चलना शुरू कर देते हैं। तो जब वो स्किनी पीट एक बार ऐसे बैठे ना, तो शायद उनका बॉटल जो था ना दारू का, वो अंदर टूट गया यार। बेचारा स्किनी पीट एकदम दुखी हो गया यार बेचारे। वैसे वो मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स था, और बाद में तो है ना मुस्कान उस्कान कुछ थी नहीं, कोई एक्सप्रेशन लेस हो गया है भाई। बहुत सॉरी फील हुआ, और उनका ये दर्द मैं समझ पाया क्योंकि मैं ही एक था जो हर जगह थोड़ा देर बाद चढ़ करके पेड़ के नीचे रिलैक्स कर रहा था। ऐसा करते करते हम पहुंच तो गए वहां पर। नाग टिब्बा इसलिए कहते हैं क्योंकि वो जो स्नेक के गॉड है उनका अबोध, उनका घर माना जाता है वो। और टिब्बा मतलब कोई भी पीक को उत्तराखंड साइड में टिब्बा कहते हैं, इसलिए नाग टिब्बा। तो वहाँ पर वो एक मंदिर भी है, नाग देवता मंदिर, वहाँ पर हम लोगों ने पैर वैर छुआ और आगे जा करके हमने अपना कैंप टेंट पिच किया, दो दो टेंट पिच किए। फिर हम वहाँ पर रात को कुकिंग किया। मेरे फ्रेंड्स ने तो रेड लेबल ऐसा कोई शराब भी लेकर के आया था, जो इन्वर्टर को ऑफर भी किया अपने स्किनी पीट भाई को, हाँ कि अंकल आप पियो बोल करके। पर ब्रांड लॉयल्टी था उनका, अपना देसी ब्रांड टायर वो टूट गया, उनका चकना चूर हो गया है, तो उन्होंने उसको छुआ भी नहीं। खाना आना हमने खाया सोए, सवेरे उठ करके फिर हमने सबमिट किया, पहुँचे। बड़ा अच्छा फील आया, ज़िंदगी में ऐसा ट्रैक नहीं किया था, ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया था। उसके बाद में आप देखो विजुअल्स देखोगे, मैं शब्दों से कितना बताऊँगा आपको, है ना। विजुअल्स अपार विजुअल, मतलब होराइजन, अ डिस्टेंस शिप स्मोक ऑन द होराइजन, कहाँ शुरू होता है कहाँ खत्म होता है, अंत बेअंत तेरी माया, ऐसा सीन था। फिर सवेरे सबमिट करने के बाद में हम लोग चलिए चलने पड़े, निकल पड़े ऐसा करके, नीचे उतर करके आ गए। उसके बाद में गोकुल और मैं दिल्ली की तरफ रवाना हो गए। कुकी भाई और गोटी भाई अपने घर पे चले गए, उत्तराखंड के रहने वाले हैं वो तो। और जो अपना इन्वर्टर, जो अपने स्किनी पीट सर थे, वो पता नहीं कहाँ पर है, वो जहाँ पर भी होंगे बड़े खुश होंगे, फुल पावर होंगे, स्ट्रॉ असली होंगे वो। और तो दिल्ली आने के बाद में गोकुल दूसरे दिन चला गया अपने ऑफिस, उसको ऑफिस जाना था। और मैं दोपहर तक रुका, सैंडी ने खाना बनाया, मैंने खाया, और सैमी थी उस वक्त मेरे घर पर। और उसके बाद में फिर मैं निकल गया कश्मीरी गेट, और मैं वहाँ से फर्स्ट टाइम, अब ये मेरा जर्नी होगा इन हिमाचल प्रदेश। मैं इस वक्त हिमाचल प्रदेश में हूँ, मनाली में हूँ। मैं फेब में आया था यहाँ पर, फेब एंड में लॉकडाउन में अटका हुआ हूँ मैं हिमाचल। उसके बाद में कई बार घूम लिया, अभी भी मैं पिछले कई महीनों से हिमाचल में, पर हिमाचल की शुरुआत इस नाग टिब्बा ट्रैक के बाद में हुई थी। मैं दिल्ली पहुँचा और उसके बाद में फर्स्ट टाइम मैं हिमाचल आया था, और वो क्या हुआ था वो सिलसिला आगे कंटिन्यू करेंगे। दिस इज़ द मैड नोमैड। ये पानी बहुत साफ है, सुथरा है, मैं यहाँ पर नहा सकता हूँ, मैं यहाँ पर पानी ये पी सकता हूँ, मैं आपको ये पानी पी करके दिखा भी सकता हूँ।